मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने आज हड़ताल की है। हम हैं ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर, जहां लोगों को भारी परेशानी हो रही है आज जाने में। यहां पर कुछ लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हम बात करेंगे उन लोगों से जो आज जिन्हें आज जाने में दिक्कत हो रही है, जो लोग परेशान हैं, क्योंकि रफ्तार का पहिया थम चुका है एक तरीके से। वाहनों की संख्या भी रोड पर बहुत कम है और लोगों को आने जाने के लिए वाहन भी नहीं मिल पा रहे हैं। आपका क्या परेशानी आ रही है, आप कैसे खड़े हैं यहाँ पे? अलीगढ़ से आए और यहाँ पर काफी दिक्कत है रोडवेज की और प्राइवेट कोई भी बस आनी चाहिए। मतलब किस बात को लेकर आज यहाँ पर जो है जाम लग रहा है, सवारियाँ नहीं मिल पा रही है? स्ट्राइक बता रहा है कि स्ट्राइक है आज। आज स्ट्राइक है, किस बात को लेकर स्ट्राइक है, कुछ जानकारी? कितनी देर से आप यहाँ पे खड़े हैं? नाम है आपका? लोकेश कुमार। लोकेश, आज किस बात को लेकर आप हड़ताल पर हैं? किस बात को लेकर आज हड़ताल पर है? जिस तरह का कानून केंद्र सरकार ने और नितिन गडकरी जी ने हम कॉमर्शल और गरीब आदमियों पर एक तरीके से अत्याचार किया है। हमारे ऊपर डीएल के 10,000, प्रदूषण के 10,000, इंश्योरेंस के 10,000, फिटनेस के 10,000, इस तरह के चालान भर दिए। जिस अगर हमारी एक भी बार गाड़ी पकड़ी गई, हम उस गाड़ी को जीवन में कभी छुटा नहीं सकते, जिससे हमारे रोजी रोटी और हम पर बेरोजगारी का खतरा बढ़ रहा है। इस चीज़ को लेकर और हमारी मांग यह है कि जितने भी कानून बनाए, जितने भी नए नियम कानून बनाए, इनमें दोबारा से संशोधन किया जाए। उचित मूल्य, उचित कार्रवाई के तहत ही एक चालान हो और हमारे साथ चालान के तहत पर गुंडागर्दी होती है। पुलिस वाले हमसे अगर पकड़ ले तो 4,000-5,000 रुपये हमसे ऐसे ही ले लेते हैं। तो इस तरह का अत्याचार इस नियम के तहत हमारे ऊपर हो रहा है। हम चाहते हैं कि कानून दोबारा बदला जाए, इसमें संशोधन किया जाए। इस चीज़ को हमारे लेकर नितिन गडकरी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से स्पेशल दरख्वास्त है, इस पर दोबारा से संशोधन किया जाए, विचार किया जाए। आपका? मेरा नाम आफ्ताब आलम है। आफ्ताब आलम, क्या परेशानी आ रही है, आज आप कैसे यहाँ पर खड़े हैं? मैं अपनी दुकान के लिए जा रहा था और यहाँ पर करीब करीब समथिंग 1-1.5 घंटे से मैं खड़ा हूँ, जिसके यहाँ पर मुझे जाने में संतुष्टि हो रही है, टेम्पो नहीं मिल पा रहा है। मतलब कितनी देर से आप यहाँ पर खड़े हैं? कम से कम 1.5 घंटा यहाँ किसी कोई भी वाहन नहीं मिल पा रहा है हम लोग। क्या मतलब किस बातों को लेकर जो है यहाँ वाहन नहीं मिल पा रहे हैं, क्या है? वहाँ ये चालान की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, चीज को लेकर के लोग समस्या कर रहे हैं।